के बाद एक राज्य में भारी भरकम हार का सामना करने और तगड़ी फजीहत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। हार के डर से बौखलाए कमल छाप नेताओं के होश इस वक्त बुरी तरह से उड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके कमल छापों की जुबान पर लगाम नहीं लग रही। हालात तो ये हो चुके हैं दोस्तों कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में करारी शिकस्त मिलने के बाद भी भाजपाइयों को अकल नहीं आ रही है कि अब हर बार नफरत भरी राजनीति और हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं चलने वाला है, वो खेल अब खत्म हो चुका है। लेकिन जीत की आस लगाए बैठी भाजपा ने अब राजस्थान के चुनावी मैदान में हिंदू मुसलमान का राग अलापना शुरू कर दिया है। राजस्थान में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद भरी सभा से बाबा को दबे पांव भागना पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नुबश्रा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिक्कत टाप में। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अपील आपसे, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा सहयोग दें। जितना भी आपसे हो सके हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चाहें तो। थैंक्स और ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारे चैनल की आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त चुनावी पारा पांचों राज्यों में जबरदस्त तरीके से चढ़ा हुआ है और किसी भी राज्य में भाजपा को जीत की उम्मीद नहीं लग रही। हर राज्य में भाजपा के लिए हार मुंह बाएं खड़ी हुई है। ऐसे में भाजपाइयों के लिए एक ही त्रुप का इक्का है और वो है नफरत की राजनीति करना, हिंदू मुसलमान करना, तालिबान पाकिस्तान करना, ताकि मुद्दों पर बात ना करनी पड़े, बेरोजगारी पर जवाब ना देना पड़े, महंगाई पर कोई सवाल ना पूछ ले। इससे अच्छा है कि हिंदू मुसलमान करो, लोगों को बांटो और वोटों की फसल काटो। यही सिंपल सा बीजेपी का फंडा है। दोस्तों मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी भाजपा की हालत इस वक्त बेहद खराब हो चुकी है। राजस्थान में भाजपा अपनी अंदरूनी बगावत से निकल नहीं पा रही है। अकेली वसुंधरा राजे ने मोदी और शाह की जोड़ी को पानी पिला रखा है। ऐसे में भाजपा को थोड़ा माहौल बनाने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो खुलकर हिंदू मुसलमान कर सके और नफरत की राजनीति को हवा देने का काम भी कर सके। तो बस भाजपा नेता ने योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतार दिया कि जाओ और खुलकर हिंदू मुसलमान करो। 1 नवंबर को राजस्थान दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से भर भर कर गंदगी और नफरत का जहर उगला। हर तरफ से जनता के जहन में हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश इस सभा में की गई। योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए ये तक बोल दिया कि अगर गलती से भी कांग्रेस सरकार बनाने में सफल होती है तो तालिबानी मानसिकता हावी होकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कांग्रेस ही करेंगे। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, News 24 की एक खबर है, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। याद रखना, अगर कांग्रेस सफल होती है तो तब तालिबानी मानसिकता हावी होकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों सुनिए आप भी क्या कुछ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है, पेशेवर गुंडों और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैयालाल का गला रेत दिया जाता है। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में जिस पार्टी की सरकार है उसे ही योगी आदित्यनाथ तालिबानी सोच बता रहे हैं। लेकिन इतने पर भी योगी आदित्यनाथ नहीं रुकते। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए सीएम अशोक गहलोत की सरकार को न केवल निशाने पर लिया बल्कि हिंदू कार्ड भी खेलने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान को लेकर सवाल उठाने शुरू किए, वहां की व्यवस्था को लेकर, प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर, तो लोगों ने ही बाबा को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें उनके राज्य उत्तर प्रदेश की क्राइम रेट की याद दिला दी कि वहां कैसे खुलेआम गुंडागर्दी की जाती, भाजपा के नेता कैसे सरेआम पुलिस को पीटते हुए नजर आते, बहन बेटियों को किस तरह का जो है सुलूक वहां पर किया जाता है वो हर कोई जानता है। दरअसल अलवर जिले में पड़ने वाली तिजारा सीट पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कन्हैयालाल की हत्या का जिक्र किया और कहा कि अगर वो यूपी में हुई होती तो आप सभी जानते हैं वहां पर क्या हुआ होता, लेकिन वहां पर राजस्थान में हुई है तो वहां क्या हुआ इससे भी आप वाकिफ हैं। देखिए क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने कहा है, वो भी आप सुनिए। याद करिए, कन्हैयालाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है, लेकिन राजस्थान में तो दोस्तों आपने सुना
कैसे हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर लोगों को बांटने का काम इस वक्त धड़ल्ले से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है एक के बाद एक इस तरह से राजनीति करने की कोशिश कर रही, इस तरीके की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही जिससे कि हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट को बांटा जा सके। क्योंकि दोस्तों पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और इन पांचों राज्यों में किस तरीके की हालात इस वक्त बीजेपी की है वो किससे छुपी नहीं है। हर जगह बगावत के स्वर नजर आ रहे, कई जगह भर भर के लोग जो है बीजेपी के मंत्री नेता कार्यकर्ता इस्तीफों की झड़ी लगा रहे। कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे के टिकट कटने से बौखलाए हुए भाजपा के लोग, भाजपा के नेता आपस में ही सड़क पर सरेरा धक्का मुक्की कर रहे, लात घूंसे चल रहे लगातार, और ऐसी तस्वीरें तमाम निकलकर सामने आ रही जिससे कि पता चल रहा है कि इस चुनाव में भाजपा की हालत क्या होने वाली। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी को यह लगा कि राजस्थान में भी कहीं ना कहीं उनके हाथ से सरकार निकलती जा रही है, सरकार उनकी नहीं बनने वाली, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ को राजस्थान में भेज दिया कि जाइए और जाके मोर्चा संभालिए और खुलकर हिंदू मुसलमान कीजिए, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट हासिल करती है। दोस्तों पिछले कई सालों से जिस तरह की राजनीति को कहीं ना कहीं जन्म देने की कोशिश भाजपा की तरफ से की गई है, किस तरह की राजनीति की जाती है वो हर कोई जानता है। हिंदू मुसलमान के आधार पर किस तरह लोगों के जहन में नफरत बोई जाती है, नफरत का जहर बोया जाता है वो हर कोई जानता है। तो इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ पहुंचकर राजस्थान, और राजस्थान पहुंचने के बाद उन्होंने किस तरीके से जो है आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस को और तमाम लोगों को किस तरह से आईना दिखाने की कोशिश की, किस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, वो मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों आप एक नजर उस पर भी डालिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने भर भर कर नफरत का जहर उगला, नफरत की राजनीति की, मंच से खड़े होकर कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया, कांग्रेस को तालिबानी बताया, तो उसको लेकर लोगों ने किस तरह से योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाया और उनकी धज्जियां उड़ाने का काम भी किया, वो भी आप कमेंट्स के जरिए देखिए। आयुष जैन एक्स यूजर लिखते हैं बीजेपी हार रही है, इनकी बौखलाहट से पता चल गया। महेंद्र एन लिखते हैं योगी जी इसलिए डर रहे हैं क्योंकि योगी जी के किए हुए घोटाले सामने आ जाएंगे अगर कांग्रेस जीत गई तो। अभय कुमार लिखते हैं इस मठाधीश को डर है कि कांग्रेस जीत गई तो हिटलर शाही चली जाएगी और हमारी भी विदाई तय है। कांग्रेस ही इस देश की शान, जो कांग्रेस ने कर दिया वो संघियों से सात जन्मों तक नहीं होगा। मठ के मंत्र से प्रदेश नहीं चल रहा, तभी तो इनको इतनी घबराहट हो रही है। मोदी की सत्ता जाएगी और योगी जी की सत्ता जाएगी तय है। जो संविधान से चलेगा हम उसी के रास्ते पर चलेंगे, वो चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी, हम उसी का समर्थन करेंगे तभी भारत जुड़ेगा। विकास एक्स यूजर लिखते हैं धर्म के नाम पर ऐसे ही डराकर वोट लिया जाता है और बाद में बेरोजगारी और महंगाई के दलदल में लतिया दिया जाता है। अरविंद यादव लिखते हैं धार्मिक धंधा ही इनकी पार्टी का ओरिजिनल एजेंडा है, किसी दूसरे पार्टी को वोट किया तो देशद्रोही, हिंदू विरोधी, धार्मिक संकट जैसी न जाने कौन कौन सी चीजें निकलकर सामने आ जाती है। चंद्रदेव यादव लिखते हैं ऐसे मुख्यमंत्री पर केस दर्ज होना चाहिए जो अपने किए हुए विकास पर वोट नहीं बल्कि जनता को किस तरह से भड़का रहे हैं। बाबा जी एक बात कान खोल कर सुन लो, दंगा भड़काने वाले आप ही लोग थे, आप सत्ता में हैं तो दंगा क्यों होगा। और हाँ, अगर यही सत्ता चली गई तो आप लोग फिर से अपने पुराने कामों को करना शुरू कर देंगे और इल्जाम दूसरी पार्टी पर लगाएंगे, और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले ज्यादातर आपकी पार्टी से ही लोग हैं, मणिपुर एक एग्जाम्पल है। इसी के साथ आशीष एक्स यूजर लिखते हैं महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित इसके खुद के राज्य में है और ये दूसरे राज्य में जमकर ज्ञान बांट रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो कि खुलकर हिंदू मुस्लिम करने के लिए जाने जाते हैं, खुलकर अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं, किस तरह से भरे मन से उन्होंने तमाम तरह की दलीलें पेश की, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने किस तरह से जमकर धो दिया वो मैंने आपको कमेंट सेक्शन के जरिए से दिखाया, और क्या कुछ लोगों ने अपनी राय रखी वो भी दिखाया। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने मेरे साथ दिखाई।